गुजरात के पोश तरीन इलाके शादमान कॉलोनी के सीवरेज सफाई सड़कों और गलियों की टूट फूट के मसाइल के हल के लिए ताजिर रहनुमा जावेद भट्ट की रहायशगाह पर शादमान कॉलोनी का इकट्ठ हुआ, जिसमें 38 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई, जो कि शादमान कॉलोनी के मसाइल के हवाले से हुकूमती MNA MPA और DC गुजरात समेत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात के अफसरान से मुलाकात करेगी ताकि शादमान कम्युनिटी के देरीना मसाइल हल हो सके। इस मौके पर शुरका ने मसाइल के हल के लिए अपनी अपनी आरा दी और कहा कि शादमान कॉलोनी की जो हालत है, ऐसा लग रहा है कि कोई इसका वाली फारिस नहीं। मामूली बारिश की वजह से शादमान की तमाम सड़कें जेरे आब आ जाती हैं। ईद से कबल होने वाली बारिश का पानी और जानवरों की बाकियात सड़कों पर पड़ी हैं। सैनिटरी वर्कर्स नजर ही नहीं आते। जावेद भट्ट ने कहा कि हमें अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। आज हमने बुनियाद रख दी है, बहुत जल्द चीमा ब्लॉक में इकट्ठ करेंगे और शादमान के इज्तिमाई मसाइल के हल के लिए लाइहा अमल इख्तियार करेंगे। कमेटी के अरकान शादमान के तमाम रिहायशियों का डाटा इकट्ठा करेंगे। इजलास में जावेद भट्ट को 38 रुकनी कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया। कमेटी मेंबरान में शेख इकबाल अख्तर, चौधरी रियाज, चौधरी जमशेद इकबाल, डॉक्टर तारिक सलीम, मजहर इकबाल, साकिब भट्ट, आदिल चीमा, वकार अजीज, जावेद इकबाल, नुमान जावेद, मिर्जा मुदसर बेग, जमान मेहदी, आमिर तूर, मुजाहिद शरीफ, मलिक तनवीर और दीगर शामिल हैं। महमूद अख्तर महमूद, आवाज न्यूज गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।